मसला है नोटबंदी का, और इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि क्या कांग्रेस के अपने कर्म जब भी वो बीजेपी के ऊपर सवाल उठाती है तो उसके सामने आ जाते हैं और बीजेपी उसे बाईपास की तरह इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन मान साहब, हम तथ्यों के ऊपर रहेंगे। हाँ, तथ्यों पर रहेंगे। नोटबंदी के बाद स्विस बैंक का ये कहना था कि 50% ज्यादा राशि बढ़ गई है उनके बैंकों में भारतीयों की। नकली करेंसी आपने कहा था कि वो सिस्टम से बाहर हो जाएगी, लेकिन नकली करेंसी 2000 के नोट 28 गुना ज़्यादा बढ़ गए और 500 रुपये के नोट 4000 गुना ज़्यादा बढ़ गए। 50 रुपये के नोट तक भी मतलब नकली करेंसी बढ़ी है। देखिए महेंद्र, अब क्योंकि ब्रेक से पहले इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे साथी जो एक अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने झूठे आंकड़े दिए हैं। मैं आपको अरे मैं सच्चे आंकड़े दे रहा हूं साहब। अब मेरे पास भी आंकड़े हैं, सुनो ऐसे नहीं है, गलत बात ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, 2016 में नेक्सलाइट सरेंडर्स 1420 है, 2218 है और अरेस्ट है 819। अरेस्ट भी, अरे अरेस्ट भी, हाँ 17 की सुनो, टेंपरेरी रिलीफ नहीं बताइए ना, 17 की सुनो, 554 और 843, 843 2014 वाला है। अरे ऑपरेशंस के अंदर सरेंडर का वाला अरेस्ट भी होते हैं जो आदमी नहीं। दुल साहब आपने झूठ बोला डीबी के ऊपर, आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं आप सच्चे? एक बार अपने सोर्सेज का खुलासा कर दीजिए। आपके पास ज्यादा बेहतर ओआरजी मेरे से, sapp.org, आप अपने सोर्सेज का खुलासा कर दीजिए, अपने सोर्सेज का खुलासा कर दीजिए। तो मैं बता रहा हूं, मैं आपको तो मैं कैसे मान पा रहा हूं? मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं साहब, आप रहने दीजिए। मेरे हाथ में भी है हाँ सोर्स, अभी आप मेरी रिपोर्ट से बता रहा हूं। अरे 2018 के बता रहा हूं, 505 अरेस्ट और 290 सरेंडर हैं इसी साल के। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे और उससे पीछे का आंकड़ा लेंगे आप? कंपैरिजन कीजिए ना। हाँ कंपैरिजन लीजिए आप, में कहां फर्क पड़ा है? हाँ 2015 में 694 अरेस्ट और 615 सरेंडर, और दो नोटबंदी के बाद 819 अरेस्ट और 2281 सरेंडर। अच्छा, मतलब 200 लोगों को पकड़ने के लिए आपने 200 लोगों को पकड़ने के लिए नहीं 2281 सरेंडर है। 2016 का आंकड़ा दे रहा हूँ, 800 आपको स्टेट वाइज दे दूंगा। अरे मैं आपको आंध्रा में 17 अरेस्ट, 26 सरेंडर, बिहार में 104 अरेस्ट, 24 सरेंडर, दोनों की बात हो गई, झारखंड में 233 अरेस्ट, 35 दोनों की बात हो, ओडिशा में 13 अरेस्ट, 1189 सरेंडर। मैं आपको 2016 का आंकड़ा दे रहा हूँ नोटबंदी के बाद का, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। एक और बड़ी गजब की बात बताता हूँ। अरे क्या गजब की बात बताएंगे, झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो दोनों की बात होगी, आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ा गजब कर दिया, इससे बड़ा क्या गजब करेंगे आप? वो भी झूठ, इससे बड़ा क्या गजब करेंगे जब आप बड़े झूठ बोल रहे हैं? नहीं हो सकते कि इन्होंने फेक सरेंडर तक करवाए हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों की बात होगी सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों की बात होगी। आप एक से मत डालना, आप हरियाणा पे कंसंट्रेट कीजिए, सरकार झूठ बोल रही है, हरियाणा पे कंसंट्रेट सर, हमारे आंकड़ों के ऊपर डिबेट नहीं करना। अरे कोई बात नहीं, ढिंगरा साहब, आप लोगों के जो बड़े नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और आपके पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो छोटे उद्योग हैं और छोटे काम धंधे हैं और जो दुकानदारी है छोटी, वो इससे तबाह हो गई। आपका टेक और उसके बाद काउंटर टेक लेंगे मान साहब का। देखिए उस वो जो उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने ये क्लैरिटी की है कि 50% इंडस्ट्री जो है वो इस काम में बंद हो गई, और वो इसलिए बंद हुई जैसे नोटबंदी का मामला आया उसमें लोगों को कैश नहीं मिला और जो जितने मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते थे उनकी छुट्टी हो गई, उनकी नौकरियां चली गई, और दोबारा से उनको एक दोबारा से सिस्टम में लाने के लिए अभी तक 50% फैक्ट्रियों पे सीधा डायरेक्ट असर हुआ, जिससे सारा 10.8 जीडीपी डाउन होके 3.7 पे आ गई। और दूसरा इशू इसमें यह है कि जो बड़े कारोबारी थे उनके ऊपर जो बड़ी फैक्ट्रियां थी उनके भी जो रोजगार थे वो बंद हुए, और वो उन्होंने ये प्लान किया कि इंडिया जो है वो रहने लायक इंडस्ट्री नहीं रही, तो वो लोग प्लान कर गए 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ बड़े टर्नओवर वाले लोग जो हैं
वो यहाँ से कितने लोग प्लान कर सकते हैं उसका डाटा भी इनको देना चाहिए। वो लोग यहाँ से कितने बाहर जा सकते हैं अपना यहाँ पे सारा सिस्टम बंद करके, तो उसका भी भारत में बहुत फर्क आ गया सर, आ गया, समझ आ गया। उस इकोनॉमी के फर्क के साथ साथ ये जो पेट्रोल का जो 125 से 150% टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, ठीक है, वो अलग से चर्चा कर लेंगे सर, अलग से चर्चा कर लेंगे। चलो जी मान साहब, इनका झूठ भी मैं बता दूं थोड़ा सा, बात करेंगे अभी ले लेते हैं, एक बार इनका जवाब देने दीजिए। बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अर्थव्यवस्था की बात करते हुए मैं आपको 2 या 3 आंकड़े अभी देता हूँ। पहला, 6 नवंबर 2017 से पहले यानी कि 7 नवंबर 2016 को 27,459 था सेंसेक्स BSE, और एक साल बाद ठीक नोटबंदी के छोटे उद्योग मैं दूंगा आपका जीडीपी बताइए आप, सेंसेक्स नहीं हो जाइए 33,680 एक साल बाद, और आज बताएं जीडीपी पहले कितनी थी और अब कितनी, 38,615 आप जीडीपी का आंकड़ा बताइए, 2% की ग्रोथ रेट जो होती है वो क्या होती है, सेंसेक्स नहीं होता, 2% की दर से बढ़ रही है नॉन फॉर्मल सेक्टर जो बैंक की लेंडिंग 40 से 50% रोजगार देता है सर, जो बैंक की लेंडिंग थी वो नेगेटिव रेट था 7.71% 25 नवंबर 2016 को, और अब 2017 पिछले साल 29 सितंबर को ये ग्रो करके -8% से +1.65% हो गई है। चाहे वो स्टैंडअप इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो सरकार ने छोटे उद्यमों के लिए या नए युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर बनाए हैं उनके अंदर ये चीज बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से नजर आती है कि नॉन फॉर्मल सेक्टर और स्मॉल बिजनेसेस की ग्रोथ हुई है, लेंडिंग बढ़ी है। मान साहब, ढोल साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी, मैं इनके सरेंडर वाली इशू के ऊपर मैं बता रहा था, MHA की जो रिपोर्ट जिसको ये पढ़ करके बता रहे थे, उसे जब स्क्रीनिंग कमेटी, इनकी रिहेबिलिटेशन कमेटी जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसने जब एग्जामिन किया, ये जो एकदम से नोटबंदी के अगले 3 या 4 महीने के अंदर जो सरेंडर थे, एग्जामिन करके ये बताया गया कि 90% जो है सरेंडर वो झूठे थे। द हिंदू की रिपोर्ट महेंद्र जी मैंने आपको भेज दी है, हमारे मित्र भी पढ़ लेंगे उसे, और रिहेबिलिटेशन कमेटी की भी रिपोर्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। हम लोग आंकड़े मेरे सामने दोनों रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा देंगे, हमारा वादा है, दोनों रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंच रही है, दोनों रिपोर्ट हम लोग जरूर दिखाएंगे। मान साहब प्लीज डोंट टर्न इनटू राहुल गांधी टू आर्ग्यू, आई एम अ हैबिचुअल परपेचुअल लायर, कोई बात नहीं सर, एक झूठ को छुपाने के लिए 4 झूठ बोलते हैं, दोनों तथ्य दर्शकों तक पहुंच रहे हैं मान साहब, आखिरी पड़ाव में सवाल आपसे ये है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि नोटबंदी की वजह से राहुल गांधी इस वजह से दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं क्योंकि 10 जनपद के भीतर नोटों के बोरे भरे हुए रखे हुए हैं, और रोज जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हें देखते हैं तो उन्हें रोना आता है। ये बीजेपी को पता है, और ये सिर्फ राहुल गांधी या तमाम लोगों का जिक्र नहीं है, आरोप बीजेपी की तरफ से सरकार की तरफ से लगा दिया जाता है कि लोगों के नोटों के बोरे भरे के भरे खराब हो गए हैं। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, और अगर 10 जनपद में ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते, महज बयानबाजी क्यों होती है? चलिए देखिए, ऐसा है कि जो बात संबित भाई ने कही है उसका उत्तर तो संबित भाई देंगे, बहरहाल उनके रोने के 2-4 कारण और भी बीजेपी ने कही सर, संबित पात्रा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके, हाँ निश्चित रूप से उसके ऊपर स्पष्टीकरण आप संबित जी से ले लीजिएगा, मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ उनके रोने के और भी 2-4 कारण हो सकते हैं। वो ये है कि एक तो ये है कि जो उनके स्टैशेज ऑफ करेंसी इकट्ठे हो रखे हैं वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए, दूसरा जो कार्तिक चिदंबरम है जिनके हाथ के नीचे बहुत बड़ा पैसा कांग्रेस पार्टी का जमा है वो अब शिकंजे के अंदर है, तीसरा मुझे क्या मिला
बताता हूँ, नोटबंदी के बाद आपके पास कहाँ जो हमें हासिल हुआ नोटबंदी के बाद वो बताता हूँ। हाउसिंग फाइनेंस रेट 11 से लेकर 13% के बीच में थे, अब 8 से 9% है, 3 से 4% की कटौती हुई है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर बनाए। आखिरी लम्हों में है सवाल यही है कि जो उम्मीद देश को थी कि उन धन कुबेरों के ऊपर कार्रवाई होगी, उन बड़े बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जिनके पास काला धन था, कब तक होगी सर? कोई 2-4-5 बड़े नाम होंगे या फिर यह आरोपों का सिलसिला ही जारी रहेगा? बिल्कुल नहीं। मैं महेंद्र जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक बात बताता हूँ, आज सिवाय विपक्ष की चिकन चिल्ली के देश की जनता बाय एंड लार्ज नोटबंदी के फैसले से संतुष्ट है, खुश है, और इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन भी करती है। वो भी संतुष्ट है। अरे 150 नहीं मरे भैया, 150 नहीं मरे, ऐसे तो नहीं, 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 कैसे आप डायरेक्टली कैसे रिलेट कर सकते हैं नोटबंदी से? आप डायरेक्टली कैसे रिलेट कर सकते हैं नोटबंदी से? आप डायरेक्टली कैसे रिलेट कर सकते हैं नोटबंदी से? आप डायरेक्टली कैसे रिलेट कर सकते हैं नोटबंदी से? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप रिलेट कैसे करेंगे? महेंद्र आप कैसे कह सकते हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट में कॉज ऑफ डेथ नोटबंदी लिखा है क्या? उनके डेथ सर्टिफिकेट में कॉज ऑफ डेथ नोटबंदी लिखा है क्या? ये इतने असंवेदनशील, ये कैसी बात कर रहे हैं यार आप? जो लाइन में लग के मरे हैं उनके ऊपर जाहिर तौर पर ये कहा जाता है कि उसकी वजह से या फिर इस दौरान मौत हुई है। देखिए ऐसा है महेंद्र जी, किसी की भी मौत होना बड़ा दुखद घटना है। जिन्होंने आपकी पुलिस ने पुलिस की लाठियां मार मार के जो लोग पीठ जिनकी खराब की, जिनके इतने चोटे नहीं, वो लोग मतलब क्या बातें कर रहे हैं? उनकी बात भी कहां हुआ ये? अभी तो कार्रवाई कब होगी सर? कार्रवाई जा रही है, कार्रवाई जा रही है। मैंने आपसे पहले कहा 18 लाख लोगों को नोटिस जा चुके हैं जिनके खाते में 3 लाख से 1 करोड़ से अधिक कैश जमा कराया। एक भी फिगर और मैं बताऊं, अगर आपने कार्रवाई का अगर आपने इनकम टैक्स के नोटिस आप अगर आपने कार्रवाई देखनी हो ना, आपके पास सारे महेंद्र नहीं, मेरा निवेदन है महेंद्र ये सब चली कर रहे, अगर आपने कार्रवाई देखनी हो इनकी तड़प देख लीजिए, इनकी तड़प देख लीजिए, ये सबूत है कार्रवाई हो रही है, इस बात का स्पष्ट सबूत है कि कांग्रेस इतनी परेशान है, किस तरह ये बीच में काट काट के बोल रही है, ये सबूत है इस बात की कार्रवाई हो रही है। कम से कम इतनी उम्मीद नहीं करता होगा किसी की परेशानी देखना। पकड़िए सर, जेलों के भीतर डालिए अगर किसी ने कुछ गलत किया तो। बहुत बहुत शुक्रिया ढुल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ढिंगरा साहब मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए जस हिंदी, अपना इंडिया।